चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी जो आपकी और मेरे सबकी फेवरेट रहे, सबके प्रेरणा स्रोत रहे, एक नेशनल पहचान बने। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति और विरोध में मुसलमान क्यों है, दिल्ली के ईदगाह का पूरा घमासान क्या है, ये आज मैं आपको बताता हूँ। राजधानी दिल्ली के सदर बाजार स्थित शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने को लेकर घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम समाज यहाँ मूर्ति स्थापित के लिए किए जाने से नाराज है और राजधानी दिल्ली के सदर बाजार स्थित शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने को लेकर इस वक्त बेहद घमासान मचा हुआ है। भारी सुरक्षा व्यवस्था में शनिवार को एक बार फिर यहां मूर्ति स्थापित करने के लिए काम शुरू कर दिया गया। बताऊं कि गुरुवार शाम या भीड़ के उग्र होने के बाद शुक्रवार को काम रोक दिया गया था। अब यहां मूर्ति क्यों लगाई जा रही है ये भी जान लीजिए और मुस्लिम समाज को क्या आपत्ति है यह भी पूरी बात बता देता हूं। क्यों आखिर वो विरोध करने पहुंच जाते हैं, क्यों भीड़ ने गुरुवार शाम को ईदगाह के पास लगे पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया, बड़ी संख्या में लोगों ने क्यों एक बार धक्का मुक्की की। इस दौरान पुलिस ने लोगों से शांत रहने और अपने अपने घरों में जाने के लिए अपील भी किया लेकिन कोई नहीं माना। बड़ी मुश्किल से भीड़ तितर बितर हुई। फिलहाल स्थानीय अमन कमेटी की बैठक से माहौल सामान्य रखने की कोशिश जारी है। ईदगाह के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। एडिशनल DCP सुधांशु वर्मा हालत की निगरानी कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पुलिस ने 2 FIR भी इस मामले में दर्ज कर ली है। सदर बाजार पुलिस ने ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के मामले में गुरुवार को 2 FIR दर्ज की। इसमें एक रिपोर्ट सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और दूसरी दो समुदायों में आपस में लड़ाई लगवाने की इच्छा शक्ति या भावना की दर्ज की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसमें ईदगाह पर हिंसक प्रदर्शन करने की बात कही जा रही थी, इससे माहौल खराब होने का खतरा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित सोशल मीडिया साइट की पहचान की, सभी प्लेटफॉर्म से वीडियो को हटाकर और FIR दर्ज की। ये वीडियो हम भी नहीं दिखा रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल पार्क से कुछ दूरी पर झंडे वाले मंदिर के पास चौराहे पर रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति लगी है। यहां सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों की वजह से मूर्ति किसी दूसरी जगह शिफ्ट करनी थी, यानी उसे स्थापित करना था। अब MCD और DDA ने मूर्ति को शाही ईदगाह के पास पार्क में स्थापित करने का फैसला किया क्योंकि यह पार्क ईदगाह से सटा हुआ है और ईद जैसे खास मौके पर जब मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग यहां पहुंचते हैं तो वह इस पार्क में एक साथ नमाज पढ़ते हैं। इस वजह से वह यहां मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं। उनकी दलील है कि मुस्लिम समाज में या मुस्लिम अपने बिरादरी में किसी भी मूर्ति के सामने सजदा करने की मनाही है मुस्लिम धर्म में। अब मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने फटकार लगाई है। शाही ईदगाह प्रबंधन समिति ने यहां मूर्ति लगाई जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी लेकिन उन्हें दो बार फटकार सुननी पड़ी और माफी भी मांगनी पड़ी है। सिंगल जज की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया तो डबल बेंच के सामने चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने कहा रानी लक्ष्मीबाई नेशनल हीरो हैं और इतिहास को सांप्रदायिक राजनीति में नहीं बांटना चाहिए। चीफ जस्टिस मनमोहन की अगुवाई वाली बेंच ने कहा इसे धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। यह तो गर्व का विषय है कि यहाँ मूर्ति लग रही है। एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं नेशनल हीरो की मूर्ति लगाने पर हम विरोध कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। कोर्ट ने एकल जज के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों पर भी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने माफीनामा मांगते हुए याचिका को वापस लेने को कहा। कोर्ट ने कहा नियत सांप्रदायिकता राजनीति की लग रही है, रानी लक्ष्मीबाई का धर्म से
कुछ लेना देना नहीं है। अगर यह आपकी भी जमीन होती तो आपको खुद आगे आना चाहिए था। अब देखिए ना, बचपन से हम लोग कविता पढ़ते आए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे कहता हूँ, कोर्ट ने यह कहा कि डीडीए का मालिकाना हक है। कमेटी ने 1970 के गैजेट नोटिफिकेशन का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि शाही ईदगाह पार्क मुगल काल में बनी संपत्ति है, यहाँ नवाज पढ़ी जाती है, यहाँ एक साथ 50,000 के करीब लोग नवाज पढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि जिस जगह पर, जिस जमीन पर मूर्ति लगाई जा रही है, उसका मालिकाना हक डीडीए के पास है, इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी इसी की है। अब आखिरकार मूर्ति का विरोध क्यों है, ये तो मंथन का विषय है, आप लोग कमेंट करके इस पे अपना राय रख सकते हैं। परंतु मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारा जो है, मेरे साथ ही कुछ बच्चे पढ़ते थे, वो भी जब ये कविता हमें पढ़ाई जाती थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उसे खूब मन से गुनगुनाते थे और गाते थे आत्मविश्वास के साथ। और रानी लक्ष्मीबाई जी जो कि 1857 के युद्ध के हीरो हैं, तो उनके इस कुर्बानी को देश कैसे भूल सकता है, यह बात हाईकोर्ट ने भी कहा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि क्रांतिकारियों के साथ हमें उनका वर्चस्व बचाकर रखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, एक मंथन का विषय है कि आखिरकार मूर्ति स्थापित करने से कौन सी भावना आहत हो रही है और कैसे आहत हो रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आप स्वतंत्र हैं सोशल मीडिया पर अपना विचार रखने के लिए और इस पर कमेंट करने के लिए। धन्यवाद।